नमस्कार आज स्पेशल रिपोर्ट को आपन को स्वागत करुछ मु स्वागतिका जो व्यक्ति भारतीय क्रीड़ा इतिहास रे जोड़िले अनेक नुआ अध्याय स्टेडियम रो ट्रैक रे दौड़ा सहित जी जीवन रो संघर्ष भितर बंची अगणित लोक निजर प्रशंसक कले जहाँ अनुभूति लोकों जीवन पर प्रेरणार स्रोत पलटिला एवं से ही मिल्खा सिंह आम गहन जहाँ को फ्लाइंग सिख भाव समस्ते जानते से उड़ी गले महाशून्य को पद्मश्री सम्मान में सम्मानित मिल्खा सिंह गत प्राय एक मास थिला कोरोना रे संक्रमित थिले या भितरे तांकर रिपोर्ट में नेगेटिव आसी सारिथिला किंतु जीवन और मृत्यु भितरे चलीथिबा एहि रेस रे स्वास्थ्य तांको सांग जितेबेले छाडीदिला जितेबेले लोके एक कथा भाबुथिले जे मिल्खा सिंह एहि रेस को भी जीति नेबे किंतु विधि रो विधान थिला अन्य किछि माता की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। लोके कहुथिले जेतेबेले से दौड़ती पवन सह कथा हुंती लोके कहुथिले से दौड़ीबा बेले झड़ भली देखा जानती लोके कहुथिले से दौड़ती नहीं उड़ती जब बिजली स्टैंड पे खड़ा हुआ तो जनरल अयूब जो थे वो मेडल डालने के लिए आए तो उन्होंने जनरल अयूब आते ही मेडल संभाला हुआ रात के अंदर मुझे कहता है मिल्खा जी आज आप पाकिस्तान के अंदर आके दौड़े नहीं पाकिस्तान में आके उड़े ए कहानी देशर से ही सुपरस्टार मिल्खा सिंह कर जहां देहांत परे भी एमिति केते कथा केते कहानी रही मिल्खा सिंह केवल गोटे ना नुहे मिल्खा सिंह एक उदाहरण मिल्खा सिंह एक प्रेरणा मिल्खा सिंह एक एमिति व्यक्तित्व जहां को मने पकाइबा को कौनसी गोटे कथा बा कहानी जथेष्ट नुहे विजय लक्ष्मी पंडित पांडे जी की भैर आई आके मुझे विक्ट्री स्टैंड के पास आके हग कर दिया मिल्खा जी आपने हमारे देश का नाम ऊंचा कर दिया और बोधु यही कारण विश्वर बड़ बड़ धावकों को निज बेगरे थकाई मिल्खा सिंह जेतेबेले यही दुनिया रे नहंती सेतेबेले सारा देश तांको स्मृति रे बुड़ी जाइछि कोरोना रे संक्रमित हुई प्राय 31 दिन जाए युद्ध लड़ीथिबा मिल्खा सिंह श्वास सेतेबेले तांको सांग छाड़ी देला जेतेबेले तांकर कोरोना रिपोर्ट भी निगेटिव आसी सारिथिला किंतु अचानक ऑक्सीजन लेवल कमिबा फळरे जीवन और मृत्यु भितरे चालुथिबा ही रेस रे ब्रेक लागिगला और 91 वर्षीय मिल्खा सिंह हुईगला निधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ को विश्वास करिपारिले नहीं जो मिल्खा सिंह सह से मात्र किछि दिन पूर्वरु कथा होइथिले ताहा तांको सह शेष कथा थिला मिल्खा सिंह जिंकर निधन रे आमे जने महान खेलाड़ी को हराइले जहांकर असंख्य भारतीय हृदय रे स्वतंत्र स्थान थिला निजर प्रेरणादायी व्यक्तित्व द्वारा से लक्ष लक्ष लोकंक प्रिय थिले मुतांको निधन नहीं व्यथित मु किछि दिन पूर्वरु श्री मिल्खा सिंह जी सह कथा होइथिली मते जणा नथिला ताहा मोर शेष कथा हेबो
ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବହୁ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମୋର ସମବେଦନା। ବେଗ ବଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସକ କରିଥିବା ମିଲଖା ସିଂ ଜଣେ ଏମିତି ଧାବକ ଥିଲେ ଯେ ନିଜ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଗଣିତ କାହାଣୀ। ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଂ ଶିଖ ନାଁକୁ ନେଇ ରହିଛି। पार्टीशन के बाद हम यहाँ इंडिया के अंदर आए और 3-4 साल घूमते रहे, आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की, जबकि हमें वहाँ आर्मी के अंदर 2-3 बार रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 4th बार हम सिलेक्ट हुए और वहाँ पे गए, तो मैं आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ पे क्रॉस कंट्री के अंदर पहली बार दौड़ाया। दौड़ाने के बाद उन्हें पता चला कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैंने कोशिश की और यहाँ तक मैं पहुँचा। 400 मीटर स्प्रिंट। रोम ओलंपिक रे पदक रु वंचित हेबा परे मिल्खा सिंह को मनरे थिला गभीर पश्चाताप। ठीक है, अगर मैं 200 मीटर में दौड़ा होता तो शायद मेडल लिया होता, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोगों का संदेश मेरे पास 400 मीटर दौड़ने से पहले पहुँचता तो शायद मैं 200 मीटर के अंदर दौड़ता। ये चीजें सब मेरे ख्याल से बाद में पैदा होती हैं, जबकि इंसान हर जाता है, हरने के बाद सब लोग कहते हैं कि अगर मैं 200 मीटर में दौड़ता तो बहुत अच्छा रहता, या 800 मीटर में दौड़ता तो बहुत अच्छा रहता। ये चीजें सब बाद में आती हैं, तो मैं समझता हूं कि हारने के बाद ये चीज नहीं कहनी चाहिए। सही वर्ष तंकु पाकिस्तान रे आयोजित इंटरनेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता रे भाग नेबा को निमंत्रण मिलिला। मिल्खंक मनरे दीर्घ समय धरी देश विभाजन रो यंत्रणा थिला और सेठाकार सह जड़ित स्मृति फलरे से पाकिस्तान जिबाकु चाहू नथिले। जदियो परे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बुझाइबा परे से पाकिस्तान जिबाकु निष्पत्ति नेले। मते 1960 रे पाकिस्तान रु लाहौर दौड़ीबाकु निमंत्रण मिलिथिला। मु पाकिस्तान जिबाकु मना करिदेली, कारण जेतेबेले सेही रात्रिर चित्र मो आखियाकु कु आसुथिला, केमिति विभाजन समय रे मोर बापा माँ भाई भूनी को मरा जाऊला, सेतेबेले मोर हृदय थरी उठुला और मु कहली मो पाकिस्तान जीवी ना, किंतु पंडित जी मते डाकिले और कहले मिल्खा जी ना, पाकिस्तान आमर पड़ोसी देश, खेल प्रेम बढ़ाए और भाईचारा आने, आमको पाकिस्तान जीवाक ही हेब। पाकिस्तान रे सेतेबेले अब्दुल खालिक नाम थिला खूब उच्चरे, तंकर थिला खूब प्रसिद्धि, तंकु सेठाकार सबुठारु द्रुततम धावक कहा जाउथिला। एथर मिल्खा सिंह कर टक्कर तांकर सह ही थिला। अब्दुल खालिकंक सह होइतिबा रेस रे परिस्थिति मिल्खांक प्रतिकूल थिला। 60,000 दर्शक रे भरपूर स्टेडियम रे पाकिस्तानी निज हीरोंको जोश बढ़ाउथिले, किंतु मिल्खांक बेग आगरे अब्दुल खालिकंक आंठु जवाब देदेला। रेस परे पाकिस्तान रो तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयुब खान फ्लाइं सिख नाम देले आउ कहिले आज तुम्हें दौड़िल नाही उड़िल, एथिपाई आमे तुमको फ्लाइंग सिखर उपाधि देउछु। निजे मिल्खा सिंह भी एक स्वीकार करती जे तांकु फ्लाइंग सिखर जो उपाधि मिली तार श्रेय पाकिस्तान को ही जाउछि। जेतेबेले मु रेस जीतिली सेतेबेले आयुब खान मते मेडल देबाकु स्टेज ऊपर को आसिले आउ से कहिले जे आज तुम्हें दौड़िल नाही उड़िल। मु विजय परे स्टेडियम रे बुली देखिली तो सेठारे 10,000 महिला बुर्खा पिंधि बसिथिले, सेमाने बुर्खा उठाइले आउ कहिले ए सरदार कमाल कले। पाकिस्तान रे होइथिबा ही रेस मिल्खा सिंह को प्रसिद्धिर शीर्ष रे पहुंचाइ देला। ए रेस सह संपर्कित तमाम रोचक कहानी भितरे आउ एक कथा भी अछि जहाकु मिल्खा एमिति बयान कले। मोर आज भी सही दिन कथा मन अछि जेतेबेले वाघा बडरे सेमाने जीप को फुलरे सजाइथिले, सेथिरे मते छिड़ा करागला। से समय रास्तार उभय पार्श्वरे हाथरे तिरंगा और पाकिस्तान रो पताका धरी मोर ना धरी लोके नारा देउथिले। मु लाफरे पहुंचबा बेळकु होटल रे गोटिए खबर कागज देखिली, सेथिरे लेखा थिला मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिकंक टक्कर इंडिया पाकिस्तान लड़ई। मते एहा भलो लागिला नाही। मु लाफर स्टेडियम रे पहुंचबा बेळकु सेठारे 60,000 लोक उपस्थित थिले। सेमाने समस्ते मिल्खा सिंह और खालिकंकर मैच देखिबा को आसीथिले। रेस समय जनरल आयुब खान भी सेठी बसीथिले। जेतेबेले रेस आरंभ हला सेतेबेले स्टेडियम रे संपूर्ण नीरवता छाइगला, जेमिति सेठी केही भी जणे नाहंती।
संघर्षर भाटी रे पुड़ी होइथिबा मिल्खा सिंह को मनोबल थिला पथर परिटाण से निजर पराजय को ही सबुठारु बड़ अस्त्र करूथिले आउ सेही अस्त्र बल रे विरोधी मनोबल ध्वस्त कर देउथिले किंतु एक कथार दुख तांक मनरे सबुबेले थिला जे भारत एथलेटिक्स रे निजर पताका उड़ाइबारे पछुआ काहे कि 30 से लेके आज तकरीबन कोई 80 साल हो गए हैं। 80 सालों के अंदर सिर्फ एक मेडल है मिल्खा सिंह का। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर हम सिंसियर हो जाएं अपने काम के लिए, अगर आदमी के अंदर विल पावर हो तो आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। न्यूज 18 को देथिबा इंटरव्यू रे मिल्खा सिंह निजर करियर रो सही प्रारंभिक दिन गुड़ी को बाबद रे उल्लेख करथिले जेतेबेले ऑस्ट्रेलिया रे 400 मीटर रो रेस आयोजित होइथिला ओ अमेरिका रो धावक सही रेस रे स्वर्ण पदक जितथिले। याद है कि जब 1956 में मैं ओलंपिक गेम में गया पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो जो लड़का वहां पे 400 मीटर के अंदर फर्स्ट आया था, मुझे उस टाइम इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, तो मैं एक अपने खिलाड़ी जो मेरे साथ रूममेट था उसको मैं साथ लेके गया। मैंने कहा यार चलो तुम छोटी मोटी इंग्लिश बोल के उसको समझाओगे उस लड़के को। चार्ल जेंग लड़का था यूएसए का जिसने के गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर के अंदर, और मैं उससे मिल के पूछना चाहता था कि वो अपनी लाइफ के अंदर उसने क्या क्या काम किया है, किस तरह से वो ट्रेनिंग करता है, क्या खाता है, कितनी रेस्ट करता है, क्या है। तो वो सारी चीज़ें उसने मुझे लिख के दी। उसने बड़े छोटे छोटे लफ्जों में जो मेरे साथ मेरा जो दोस्त था वो मेरे साथ गया उसको समझाया कि इसका नाम मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह 400 मीटर 400 मीटर उसने उसको बतलाया। तो कहता येस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, उसने कहा ही वांट्स योर कोचिंग शेड्यूल। तो वो छोटी छोटी इंग्लिश बोल के उसको उसने समझाया और उसका सारा कोचिंग शेड्यूल में लिख के यहाँ पे लाया। जब 56 में मैंने लैंड किया इंडिया में दिल्ली के अंदर, तो मैंने धरती माता की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। आप यकीन मानिए जब मैं सुबह उठ के पूजा करता था, गुरु नानक देव जी की फोटो मेरे सामने हुआ करती थी, गुरु गोबिंद सिंह जी की, शिव जी की मूर्ति, सब चीजें, और साथ में वो जो रिकॉर्ड था वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उसने रखा हुआ था वो मेरे सामने हुआ करता था, और हमेशा मेरे दिल के अंदर ये रहती थी कि मैं किस तरह इसको तोड़ूं। क्रीड़ा क्षेत्र रे देशर सम्मान बढ़ाई थिबा मिल्खा सिंह समस्तंक पई उदाहरण। एही कारणरु तांक जीवन सह संपर्कित कथा ओ कहानी को मने पकाई समस्ते दुख प्रकाश करछंती। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह ट्वीट करछंती, भारत महान धावक श्री मिल्खा सिंह जी द फ्लाइंग सिख को दुखद निधन उपरे शोक व्यक्त करूछि। से विश्व एथलेटिक्स क्षेत्र रे एक अलिभा छाप छाड़ी जाइछंती। देश तांकु सर्वदा भारतीय क्रीडार सबुठारु जज्वलमान तारका मध्यरु गोटिए भावे मने रखिबो। तांको परिवार और अगणित समर्थकों प्रति मोर गभीर समवेदना। सारे पंजाब एक बहुत बहुत महान शख्सियत है एंड वी आर ऑल एट अ ग्रेट लॉस। लेकिन इन्होंने जो छड़ के गए ने अपनी रेपुटेशन, मैं आस कर दें कि आने वाले पीढ़ी भी बच्चे भी उन्होंने कारनामियां देखते हुए वह भी एक कोशिश करन कि अपने सूबे वास्ते और अपने देश वास्ते अपना नाम बनाओ। मिल्खा सिंह जी के निधन का समाचार बहुत दुखद है। मैं उनसे अभी 2 महीने पहले ही मिला था और मैं उनको कह रहा था कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भाग मिल्खा भाग फिल्म लिखने का अवसर मिला और मैंने ये फिल्म लिखी। और इस फिल्म को लिखने के दौरान उन्हें जाना, उनको ही नहीं जाना है, उनके बहाने स्वयं को भी जाना, उनसे बहुत कुछ सीखा। खेल जगत के लिए बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि एक ऐसे महान खिलाड़ी, क्योंकि कोई भी अगर हम देखें खिलाड़ी जब पैदा होता है तो उसकी हार्डवर्क, उसकी जो ज़िंदगी है वो जब लोगों तक पहुंचती है तो बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। तो उनकी कहानी मैं सैकड़ों में नहीं करोड़ों में जो पब्लिक तक आवाम तक पहुँची और उन्होंने उससे इंस्पायर हुए, क्योंकि भाग मिल्खा भाग के बाद मुझे अभी भी याद है कि कई खिलाड़ी मैदान में उतरे और वो यही बोलते थे हमें भी मिल्खा बनना है। बॉलीवुड की मूवीज़ में डायलॉग मिल्खा के नाम से आने शुरू हुए, गानों में मिल्खा जी का नाम गूंजने लगा। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बहुत से सैकड़ों लोगों को, बहुत से लोगों को मोटिवेट किया है। तो ऐसे व्यक्ति का चले जाना बहुत दुख लगता है, बहुत शॉक लगता है। मिल्खा सिंह जीवन एक एमती आदर्श मनीषर जीवन जे केवल देशर गौरव को आकाश में पहुंचाइले नुहे बर व्यक्तिगत जीवन रिक्षा और संयम तुम जड़े एमती मनीष कला जी जे कहारी
प्रेरणार स्रोत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। देश विभाजन देइथिबा असीम जंत्रणा पिलाबळु अनेक संघर्ष ता भितरु बाहरी विश्व दरबार रे देशर गौरव बढ़ाइबा निजर स्वतंत्र नाम एवं स्थान सृष्टि करिबा फिल्म भळि लागुथिबा मिल्खा सिंह को जीवन रोमांचकर कहानी देखिबा ए छोट ब्रेक परे। आपणको टूथपेस्ट बदलांतु आउ आनंतु डबल रेड पेस्ट। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. निज जीवन असीम धैर्य परिचित थिले मिल्खा सिंह से विजयर जेतिकी सम्मान करुथिले सेतिकी पराजय को मध्य सम्मान देउथिले। तांको जीवन सहित संपर्कित एमती अनेक कथा अछि जहां जे कहारी जीवन को बदलाइ दे पारे आउ एही कारणरु आज जेतेबेले से एही दुनियारु जाई सारिछंती तांको जीवन सहित संपर्कित से सब कहानी फिल्म भळी आखि आगरे चलुछे। मिल्खा सिंह नाम जेतेबेले भी आसे सेतेबेले एक एमिति व्यक्तित्व सामना को आसे जे केवल दौड़ बा क्रीड़ार अंश नथिले। तांको पई दौड़ केवल शौक पूरण करिबार माध्यम नथिला बरंग मिल्खा सिंह पई एही रेस सही सम्मान भली थिला जहाकु भारत पई से प्रतिवर्ष हासिल करबाकु चाहुथिले। जब 56 में मैंने लैंड किया इंडिया में दिल्ली के अंदर तो मैंने धरती माता की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। भारत पई बहु पदक जीतिथिबा मिल्खा सिंह को जीवन रो सबुठारु कठोर सबुठारु गभीर अनुभूति सही रेस सह जड़ित जहां 1960 रे रोम ओलंपिक समय रे आयोजित होइथिला। मिल्खा सिंह को ओलंपिक रेस रे विजय रो संपूर्ण भरोसा थिला कारण 1958 रो एशियाड ओ कॉमनवेल्थ क्रीड़ा रे से तीनटी स्वर्ण पदक पूर्व ही जीति सारी जहाँफल से आत्मविश्वास रे भरपूर थिले। एतिके नुहे काड्रिक कॉमनवेल्थ गेम्स रे तो मिल्खा सिंह तत्कालीन विश्व रेकर्डधारी धावक मेल स्पेन्स को परास्त करथिले। मिल्खा रोम ओलंपिक पूर्व आमेरिकार ओटिव डेविस को छाड़ प्राय समस्त विरोधी को परास्त कर सारी किंतु रोम ओलंपिक फाइनाल रे अन्य किछि ही हेबाकु थिला। मिल्खा जेतेबेले फाइनल रेस रे दौड़ुथिले
से 250 मीटर जाए आगुआ थे से लगला जे से आवश्यकता ठारू अधिक जोरे दौड़ शेष जाए पहुंचा पूर्व से पछक बुली देखिले अन्य धावक माने केते दूर अच्छा कारण बेग और लय भंग है सेथर ओलंपिक रेकर्ड भांगी से 45.6 सेकेंड रे रेस पूरण कले किंतु एक सेकेंड रो 10 भागरु भागे समय व्यवधान रे एही रेस रे पछुआ रही चतुर्थ स्थान रे रही गले। पराजय रो ही न्यारा कहानी भी मिल्खा सिंह निज मुहरे ही कहिछंती मोर अभ्यास थिला जे मु प्रति रेस रे थरे पछक बुली चाहुथिली रोम ओलंपिक रे खूब कड़ा टक्कर होता पंचम लेन रे प्रथम 250 मीटर जाए मु खूब जोर रे दौड़ी जहाँपर थे पछक बुली देखिली यह मोर सबुठारु बड़ भूल थिला तापरे ग्राउंड कभर कर पारिली नाही आउ मोते तार फल भोगिबाकु हेला। ओटिप डेभेस रोम ओलंपिक रे 44.9 सेकेंड रे रेस पूरण कर विश्व रेकर्ड प्रतिष्ठा कले आउ स्वर्ण जीतिले। कार्ल हाफमैन को समय भी थिला सही 44.9 सेकेंड किंतु फोटो फिनिश रे तांकु द्वितीय स्थान मिलला स्पेन्स को समय 45.5 सेकेंड थिला से कांस्य पदक जीतिले। मिल्खा सिंह जदिओ से दिन चतुर्थ स्थान रे रहिले किंतु से दिन से जो रेकर्ड कले ताहा प्राय 40 वर्ष धरी केही भांगी पारिनथिले। मिल्खा सिंह को सफलता बाबद कहिले 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स रे से स्वर्ण पदक जीतिथिले। एशियाड रे मिल्खा सिंह मोट 4 स्वर्ण पदक जीति 1956 1960 1964 ओलंपिक रे भारतर प्रतिनिधित्व कले 1969 रे मिल्खा सिंह को पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करागला। एही कारणरु तांको निधन फल रे एबे क्रीड़ा जगत स्तब्ध। मिल्खा सिंह सर जी हमारे बीच में नहीं रहे ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और वो एक बहुत बड़े लेजेंड थे और वो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। उन्होंने बहुत सारे यूथ को इंस्पायर किया है और उनको लॉस उनके लॉस से हमारे देश में क्षति हुई है और उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खेलों खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह बनना है तेरे को। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। आज हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनूठे सितारे को खो दिया। कल तक वो हमारे बीच में थे, विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको। डियर मिल्खा जी मोर मन एबे भी एक कथा स्वीकार करबा को प्रस्तुत नहे जे आपण नहांती होई पारे मोर जिद्दी स्वभाव फल रे आपनको थारु मु अनेक किछि सिखिली। सही जिद जेउथरे जदि कोनोसी काम करबा को निश्चय करिनिए सेथरे केबे भी हार माने नाही। सतहला आपण सबुबेले मनरे जीवित रहिबे कारण आपण बड़ हृदयवान ओ लोकंकु भलो पाउथिबा लोक थिले। आपण वास्तविक माटी सह जोडी होइथिबा लोक थिले। मिल्खा सिंह निज जीवन रे फिटनेस को एमिति गुरुत्व देथिले जे 91 वर्ष बयस रे भी से प्रतिदिन बेस दूर जाए दौड़ुथिले। एमिति केतक कहानी मिल्खा सिंह लोकंकु कहिछंती जदि जणे नित्यदिनिया जीवन रे दौड़ को शामिल करिवो तबे ताकु केबे भी रोग हेबो नाही। जॉगिंग करने से वॉक करने से तेज वॉक करने से जो ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और उससे सारी बीमारी आपकी दूर हो जाती है। निश्चित भाव मिल्खा सिंह एक एमिति व्यक्तित्व थिले जे दुनिया रु विदाय नेबा परे भी अनुभूति और कहानी सही पथ छाड़ी जाइछंती जे पथरे दौड़ी केही भी मनुष्य अन्य पय उदाहरण उपस्थापन करि परिबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। भारतीय क्रीड़ा आकाश रे चिर उज्ज्वल मान तारका से आखि बुझले सत किंतु तांको जीवन संघर्ष सफलता दशक दशक धरी बहु लोकंकु दिग देखाई आसीछि आगकु एमती जुग जुग धरी दिग्दर्शन देखाइबो। आज तो समय होछि स्पेशल रिपोर्ट कइ रखिबा। नमस्कार।